तो दोस्तों, ये कोलकाता में आज हमारा पहला दिन था और हम वहाँ पहुँचे विक्टोरिया मेमोरियल में। इस आलीशान महल को देख के हमारी बीवी ने हमसे कहा कि मैं उनके लिए भी एक ऐसा महल बनाऊं। ये सुनते ही मैंने उनको लेके बाहर निकल आया। ओए, मैं बहुत खुश हूँ आज। ये जो हमारी बहन इतनी खुश नजर आ रही है, इसको पता भी नहीं कि अगले पल हमारे साथ क्या होने जा रहा था। जी हाँ, हमें कोलकाता में जेल में डाल दिया गया यार। देखो इस बेशरम को, देखो कैसे हंस रही है। जिंदगी में पहली बार जेल आई हूँ, प्राउड फील हो रहा है। दरअसल बात ये है दोस्तों, हम आके पहुँचे हैं कोलकाता के कैदी किचन में। ये एक लौता जेल है हिंदुस्तान का, जहाँ सजा में आपको पेट फटने तक खाना खिलाया जाता है। अंदर एंटर करते ही हमने देखा कि माहौल एकदम रियल जेल जैसा बना हुआ था और कैदियाँ इधर उधर घूम रहे थे। ये क्या, हमारी बीवी तो सबसे पहले जाके अंदर बैठ गई, मानो जैसे जेल से इनका रिश्ता काफी पुराना ही हो। अब हम तीनों ही जेल के अंदर बैठ गए थे और अपने खाने का इंतजार कर रहे थे और डर रहे थे कहीं ये असली जेल की तरह सूखी रोटी और सब्जी ना दे दे। ये एक लौता जेल है दुनिया का, जहाँ पे आप बिना कोई जुर्म के आ सकते हो और पेट भर के खा सकते हो। भाई पता है क्या, यहाँ पे जो खाने का बिल नहीं भरता है ना, उसकी डंडे से पिटाई होती है जम के। पर मेरे पास एक सलूशन है, ये ले पतंजलि का तेल। बहन मुझे भी दे दे थोड़ा, इसको पूरे बॉडी में लगा ले, कोई कितना भी मारे कुछ दर्द नहीं होगा। आई एम सो स्मार्ट। भाई जेल में अगर ऐसे खाना खाने मिले ना, तो मैं रोज जुर्म करने को तैयार हूँ। ओ गॉड, सीरियस मत हो जाना। फाइनली हमारा स्टार्टर आ जाता है, पनीर। पर ये क्या, हम तीन लोग और पनीर पांच, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा यार? भाई तू भूल रहा है, शायद तेरी बहन कॉमर्स स्टूडेंट है। मैं हूँ ना। ले एक तू रख, लो भाभी आप एक रख लो। लो अब दूसरे पनीर के बदले में मैं तुझे ये दे रही हूँ। ये पुदीना मत ले, ये बहुत महंगा आएगा। ले और थोड़ा रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। आई एम दोनों को उल्लू बना रही है। अब बाकी जितने बचे सब मेरे, हो गया ना हिसाब बराबर? मुझे बस एक पनीर मिला। अरे रो मत भाभी, ले खा ले यार। तुझे नहीं दूंगी, तू भूल से मत मांगा। अच्छा ऐसा करेगी तू? पक्का ना? रुक जा बेटा, तेरी शादी आने दे, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। अरे ले रे भाई, रो मत। पापा देखो, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया, जेल पहुंच गई मैं। ये देखो बंदूक। पापा पता है क्या, जिन कैदियों का बिहेवियर अच्छा रहता है ना, उनको इंस्पेक्टर बना देते हैं इधर, जिस तरह से मुझे बना दिया गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्याज हमें खाने के लिए दिए गए थे कि काटने के लिए दिए गए थे। फिर एक कैदी भाई आके हमें खाना परोसने लग जाते हैं, तो मेरा मन किया कि उनसे थोड़ा सा वार्तालाप किया जाए। भैया हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कितने साल से यहाँ कैद हैं और किस जुर्म में आपको यहाँ अंदर किया गया है। पहले मेरा खुद का एक फूड स्टॉल था बाहर, ठीक तुम्हारे ही जैसे कुछ फूड ब्लॉगर्स आए थे, दिमाग इतना चाटे मेरा कि मेरा गुस्सा का पारा बढ़ गया, वहीं चपने जेब से बंदूक निकाल के ठोक दिया था। उसके बाद से यहाँ कैद हूँ। थैंक यू भैया, पेट भर का खाना तो खा लिया, अब बारी था हमारा फेवरेट सिजलर ब्राउनी का। ओहू, आरती ले लो गाइस, आरती ले लो। अरे पागल औरत क्या कर रही है तू? अरे भाई संभालो, ये नीचे गिर रहा है यार, हमें ही साफ कराने बोलेंगे ये लोग। सिजलर चखते ही हमारी वाइफ एक अलग ही दुनिया में चली गई। फाइनली दोस्तों आता है डरावना मोमेंट, यानी बिल भरने का मोमेंट। भाई सुन, बिल तो नहीं भर पाएंगे, अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, जेल तोड़ के भागना पड़ेगा। और मेरे पास एक ट्रिक है कैसे भागने का, तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। और हमेशा की तरह अपनी बहन का आइडिया फेल हो गया। जेल जाने के लिए मेरी बहन तैयार हो चुकी है, लाइव इनको कैद किया जा रहा है। गए काम से, टाटा बाय बाय बहन, हमेशा के लिए अलविदा। तो सर आपके यहाँ पे जेल में अगर कोई आना चाहेगा तो आप उनको प्लीज अपना एड्रेस बता देंगे। 4x1 मैक्स स्ट्रीट, नियर बाई तनिष्क शोरूम एंड नेक्स्ट टू पंटालून शोरूम से। और गाइस ये कोलकाता आना पड़ेगा इसके लिए, रौरकेला मत चले जाना कोई हमारा वीडियो देख के, तो ये सब आपको कोलकाता में ही मिलने वाला है। सो गाइस हमारी बहन आज सागरिका जेल जाने के लिए तैयार हो चुकी है, देख सकते हो आप। वो नहीं निकलने वाला बेटा, तू तो गई फंसी भाई, 15 साल से पहले नहीं आने वाली तू। चल बाय।